गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो जो ओम्स लॉ था वो था क्या, वो एक्सपेरिमेंटली था। ओम्स लॉ के बारे में जो उसका एक्सप्लेनेशन था, उसका डेरिवेशन था, वो थ्योरेटिकली था, लेकिन हम जब यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकली हम उसको प्रूफ करेंगे, लिखेंगे क्या डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। टॉपिक जो है क्या है, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या उसी को कहा जा सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या उसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओम के लॉ को, ओम्स लॉ को फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना है, डिराइव करना है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके इसको डिराइव करना है, या फिर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके उसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओम्स लॉ तो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से, कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। ये जॉर्ज साइमन ओम ने जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया था वी इज इक्वल टू आई आर 1820 ईस्वी में, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच रिलेशन को एस्टैब्लिश किया था। वरना उससे पहले तो करंट के बारे में जानकारी थी, पोटेंशियल का कंसेप्ट जो दिया गया है, उन दोनों के बीच रिलेशन जो था वो पता नहीं था। तो रिलेशन को एस्टैब्लिश किया गया, और एस्टैब्लिश करने के बाद हम जो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू बेसिस पे, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे, या उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। तो जानते हैं कंडक्टर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर को कंसीडर, कंडक्टर को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। एक जो है कंडक्टर है ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका एक कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर मतलब कंडक्टर है, तो ऐसा लिया है। इसकी लंबाई हमने क्या ली, इसकी लंबाई इधर रखी है, ठीक। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, हमने ए लिया। तो कोई बात नहीं है, ये तो आप भी ले सकते हैं, हमने लिया तो क्या किया। लेकिन आप, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये करना है कि हम इसको किसी सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि चार्ज का, करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ऐसा हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया सोर्स से। एक बैटरी है या सोर्स है, जिस सोर्स से क्या करते हैं हम लोग करंट को पास कराते हैं। यहां देखिए करंट है, ये करंट ऐसे आया और फिर सर्किट पूरा किया। तो ऑब्वियसली कि हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि जैसे करंट को पास करते हैं जब किसी कंडक्टर से, तो क्या होता है, उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माना ये जाता है कि चार्ज के फ्लो को, यहाँ जो माना जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को का जो डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। ये क्या है, कन्वीनियंट है, ये कन्वेंशन है, वो पुराने जमाने से होता हुआ चला रहा है। लेकिन हम जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, करंट बहेगा इधर, इलेक्ट्रॉन बहेगा इधर, ठीक। तो चार्ज का फ्लो किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है फ्लो, और यहाँ पर फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसका ड्रिफ्ट होगा। मतलब यहाँ हम इसको क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन होगा, जब करंट पास करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, किसके थ्रू व्हाट लेंथ, तो यही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ई बराबर होगा क्या, ई इंटू एल बराबर क्या होगा, वी डी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वी डी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ऐसा नहीं समझिए। तो जो हमने लिया है, जो हमने कंसीडर किया है, उस कंसीडर को, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे क्या, सपोज क्या करते हैं, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक। उसके बाद A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ऑफ कंडक्टर। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास vg क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद देखिए v क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, अक्रॉस टर्मिनल्स सिरों के बीच का जो विभवांतर जिसको हिंदी में कहते हैं वो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और याद रखिएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसकी कई हिंदी है, संवहन वेग, अनुगमन वेग, अपवाह वेग, लेकिन याद रखें इंग्लिश याद रखें सिर्फ एक ही याद रखना पड़ेगा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। उसके बाद देखिए आई क्या है, आई क्या है करंट है, आई देखिए आई क्या है करंट है। तो देखिए हमने क्या कहा कि आई के बारे में पढ़ेंगे, आई बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉसिंग विद इट्स वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है आई के बारे में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। देखिए करंट बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट में मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वीडी, हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी होगी, इसके अंदर थाउजेंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होने लगेगी। वैसे जैसे क्या होता है कि एक आपके बोर्ड पर आप जा रहे होते हैं, हाँ बोर्ड के दोनों सिरे पर आदमी बैठे रहते हैं, इधर कुछ हाँ और इधर कुछ आदमी बैठे रहते हैं, तो जब बोर्ड के एक सिरे से सब आदमी शिफ्ट होने लगेगा दूसरी सिरे तरफ, दूसरे टर्मिनल की तरफ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ अगर शिफ्ट होने लगेगा पूरा का पूरा आदमी तो क्या होगा, बोर्ड फट जाएगी। सेम वैसे ही होता है यहाँ पर कि जैसे सारा इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में होने लगता है तो एक इफेक्ट जनरेट होता है, उसी इफेक्ट का नाम तो करंट है, उसी इफेक्ट का नाम तो करंट है। करंट क्या है, इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। और याद रखिएगा बहुत से बुक में बहुत से हाँ जो यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी मेटलिक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो क्या बचेगा उसके अंदर, याद रखिएगा ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट कर रहा है, वो कितना चार्ज को ट्रांसमिट कर रहा है एक से दूसरे में, वो है एक्चुअली, राइट। उसके बाद देखिए हम इस रिलेशन से हम अगर v का वैल्यू निकालते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ उल्टा तो नहीं हुआ, v इज इक्वल टू क्या होगा, e इज इक्वल टू का v बाय n, सॉरी हाँ ये क्या, e इज इक्वल टू v बाय l, v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, l क्या है। एक और रिलेशन हम इस पढ़े हैं वो क्या है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किसी भी मेटल के अंदर वो क्या होता है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज होगा ही होगा प्लस मास तो होगा ही ना, तो इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वही का रिलेशन क्या होता है, ये इसको कहते हैं टाउ क्या है, यहां पर लिख देता हूं टाउ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, याद रखिएगा कि किसी भी मेटल के अंदर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर बिहेवियर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। अगर हम मेटल ले रहे हैं पूरा यूनिफॉर्म ले रहे हैं थ्रू आउट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम क्या ले रहे हैं एक जैसा ले रहे हैं तो इसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम बिल्कुल एक जैसा रहेगा, अगर ये मेटल का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो क्या होगा वो वैरी कर जाएगा, या अगर होमोजेनियस नहीं लेंगे यहाँ कुछ है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो जाएगा, जो क्या होगा हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं एक जैसा लेते हैं। तो याद रखिए अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट पर पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीडी एट इक्वेशन फर्स्ट,
तो जैसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम ई ए इंटू वी डी की जगह पुट करेंगे ई ई आई एम इंटू टाउ। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, एम देखिए ई स्क्वायर इंटू ए बाय एम रखते हैं इधर, ई देखिए ई से ई स्क्वायर हो गया, ए हो गया। अब यहां देखिए ई के बारे में हमने पढ़ा है क्या, वी बाय एल, तो क्या होगा वी बाय एल इंटू क्या होगा टाउ। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, सारा रिलेशन मैंने वहां पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब सपोज हम ये करते हैं, हाँ हम अब ये सपोज ये करते हैं क्या कि हम इस रिलेशन को v by i के फॉर्मेट पर ले आते हैं, v by i के फॉर्मेट पर लाएंगे तो ये सारा रिलेशन पलट जाएगा, m into l by n into e square into a into tau बराबर क्या होगा v by i। अब देख लेते हैं मास ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, e कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट एंड रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि v by i इसका हो गया कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट के वैल्यू को ओम ने क्या लिया था, r लिया था। ठीक, और r बराबर क्या हो गया, अब क्या हो गया v is proportional to i, v is proportional to i, इसी को ऐसे लिखा गया था v is equal to ir। ओम ने क्या कहा था, at constant temperature flow of electric current is directly proportional to potential difference across the terminals of a conductor, किसी conductor के बीच कितना करंट बहेगा, कितना करंट का फ्लो होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट पास करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा उतना कम करंट पास करेगा। इसी रिलेशन से हमें ओम्स लॉ का प्रूफ होता है, या लिख देंगे प्रूफ या वेरीफाई। समझ गए बात को, क्योंकि यहां पर देखिए v is directly proportional to a है, v is directly proportional to, यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से once again, v is directly proportional to l और v is inversely, sorry यहाँ पर क्या, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ यहाँ से देखते हैं v by i is equal to r हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या कि कितना resistance generate हुआ है वो इस बात पर depend कर रहा है कि कितना length है, length के वो क्या vary करता है, कांस्टेंट किससे वेरी करता है, वो लेंथ से वेरी करता है, और के कांस्टेंट जो है ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है वेरी करता है। मतलब क्या कि इन दोनों चीज पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। यही इक्वेशन, यही डेरिवेशन आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू क्या है डेरिवेशन है, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फिर हमें काम आएगा, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है जो आपको क्या करता है ज्यादा मार्क्स दे करके जाता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये कुछ ही रिलेशन तो है, ये कुछ रिलेशन में दो रिलेशन हमारे पास आए निकल टू एन ई ए डी, मतलब जितना मोटा होगा ये उतना इसका एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बचा तो कांस्टेंट है, और डिप वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा, मतलब करंट जो है ना इन पर डिपेंड करता है एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन ई इक्वल टू वी बाय एल, एक रिलेशन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा जितना उसका लेंथ होगा, ठीक है वही उसके किसके पोटेंशियल के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा करंट उतना पास करेगा, ये हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश किया इसको। उसके बाद ये हमने बताया था रिलेशन बिटवीन डिप वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का वैल्यू इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या होगा हमें ये मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या वी बाय आई लेंगे तो सारा रिलेशन क्या होगा पलट जाएगा, कि किसके बराबर होगा कांस्टेंट के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि जो ओम्स लॉ है ये प्रूफ होता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिप वेलोसिटी को कंसीडर करके, और डिप वेलोसिटी के कंसीडरेशन के बाद ये बात याद रखिएगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके किया गया।
राइट ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एट योर होम, स्टे हेल्दी एट योर होम एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, प्रे फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल आवर नेशन, हमारे नेशन के लिए भी सब लोग प्रे करें कि बेहतर हो। और फिर से जब इस कोचिंग ओपन होता है तो फिर से ऑफलाइन जब क्लास होगा तो ऑफलाइन क्लास में फिर इसको जो तैयारी होती है हमारी, जैसे क्लास 11 का ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। जो बच्चे इस बार 10 देकर के 10th बोर्ड देकर के बैठे हुए हैं वो तई वो अपने आप को समझ रहे कि कुछ नहीं है, सरकार ऐसे कर दी वैसे कर, नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। जब 11 नहीं पढ़ेंगे तो 12 कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए फैंटास्टिक डे।